प्रणाम सर। सर हम लोग बुढ़ार से आए हैं सर, अंदर घूम सकते हैं मतलब ऐसे देख सकते हैं कोई लेटर वोटर से? जी परमिशन लेना था। हाँ मतलब फोटो नहीं खींचेंगे, मतलब बताएंगे ऐसा ऐसा होता, आपका कोई रहेगा साथ में? जी अरे नहीं पूरे कैमरा लगा है, पूरे वहाँ कंट्रोलर देख रहा है, मत जाना। कब मिलेंगे सर मैनेजर साहब? सुबह सुबह तो लेटर लिखना पड़ेगा। अरे अंडरग्राउंड खदान घूमो ना, जहाँ अंडरग्राउंड में देखने को मिलेगा कुछ ऐसा। हाँ यहाँ कहाँ देखोगे? आगे रोड, आगे सीधे रोड से जाओ तकलीफ, वहाँ पूरा दिख जाएगा रोड से। वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं वहाँ दिक्कत नहीं, बाहर उधर से है ना। ठीक थैंक यू सर। चल सर ये जो बात हुई है इसको रख सकता हूँ ना, जो अपनी ये बात हुई है? अंदर नहीं जाऊंगा, मतलब बाहर से जो आप बताया कि वहाँ से। ठीक है सर। गाइस कभी भी कोई गाय भैंस इसको पूरा वो तार जो आती है जो बिल्डिंग उल्डिंग के सामने रेल दी जाती है। हे गाइज विकास बैरागी ब्लॉग नंगा गरीब तो गरीब के पापा में ते। हे गाइज वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। अभी हमें ना ब्लॉग विकास खदान दिखा दिया जाए। KGF क्या ही ना रहा, KGF का शूटिंग हुआ रहा, हम लोग से पूछा रहा रॉकी भाई तो हम लोग बोले रहा कि चलो ना मत और वीडियो बनाओ रहता है तेरा। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो हे करो फॉलो करो, वीडियो बना ले, तुम्हें डर लग रहा है। सो हे गाइस सब्सक्राइब करो, कर ले यार, देख हमने देख ली ना ट्रैक व्रक चल रहे हैं। लाल वाले घंटे का भी दबाओ जो काला कलर का होता है, ता नहीं दिख रहा है बैक कैमरा है। सो हे गाइस वेलकम बैक टू विकास। सो हे गाइस वेलकम, हे गाइस वेलकम बैक टू विकास बैरागी ब्लॉग। माइक निकाल दू का। सो हे गाइस वेलकम वेलकम बैक टू विकास बैरागी ब्लॉग। तो गाइस आज हम लोग, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग लोकेशन होने वाला, आप लोग देख सकते हो आगे पीछे हम लोग कहाँ पे घूम रहे हैं। सो गाइस आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे, और जस्ट अभी हम लोग आ चुके हैं माइंस में, तो अंदर की जाने की परमिशन तो नहीं थी पर बोले हैं कि बाहर बाहर आप लोग देख सकते हो, तो मैं बाहर को दिखाने की आप लोग को कोशिश करूंगा। तो जस्ट अभी मेरे पीछे सामने ये माइंस, तो आप लोग को हम यहीं से रोड के किनारे से दिखाते हैं। तो ये देखो गाइस इसका लास्ट ब्लॉग है, मैं इसको फेंक दूंगा यहीं, इसके साइकिल बेच दूंगा कबाड़। अभी आप लोग, सो गाइस आप लोग जो भी व्यू देख रहे हो, तो जस्ट हम लोग यहाँ से आए हैं, ये पूरा खुला एरिया जो कि आप लोग वीडियो में देखें वो बोले हैं कि बाहर से आप लोग बना सकते हो। तो जस्ट हम लोग फिर यहाँ से माइंस शुरू होती है गाइस, तो मौसम अभी आप लोग देख सकते हो, अभी बरसात का सीन था और जस्ट अभी पूरा इस टाइप का मौसम हुआ। सामने अपने सूर्य है जो कि बहुत अच्छी बात है, और इधर पे पूरा जंगल एरिया टाइप का, और जस्ट अभी मैं माइंस दिखाने की कोशिश करूंगा। तो जस्ट यहाँ से पूरा गड्ढा है, तो इससे आगे आप लोग नहीं जा रहे हैं। तो जस्ट आप लोग को अगर दिखता होगा आई होप कि वहाँ पे एक नदी टाइप की है जो कि कोयला से खोद खोद कर, मतलब कोयला उसमें से निकाला जाता है तो पानी आ जाता है, फिर शायद से मेरे हिसाब से जहाँ तक कि ये पानी को स्टोर करके वहाँ टरबाइन वगैरह लगी है। तो मैं आप लोग को जूम करके दिखाता हूँ गाइस, तो ये देख सकते हो यहाँ टरबाइन वगैरह लगी है जिससे कि पानी मतलब आता है, फिर टरबाइन घूमती है, जनरेटर से कनेक्ट रहता है जिससे कि बिजली पैदा होती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पूरा देख सकते हो आप लोग, पूरा जो है राउंडिंग में पोल बिजली के दिखते होंगे आप लोग को आई होप, और ये पूरी KGF मूवी जैसे लग रहा है मेरे को। तो जस्ट आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पूरे ट्रक खड़े हुए हैं, और अभी अंदर जाने की तो परमिशन अपन को नहीं मिली है, पर आप लोग जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार के देख सकते हो ये ट्रक वगैरह खड़े हैं, और जैसे कॉलरी में आप लोग को अभी मैं दिखाया हूँ कि पानी भर जाता है, तो जब ये लोग कोयला निकालते हैं बरसात से जो पानी भर जाता है, और जब कोयला निकलता है तो पानी खदान में आ जाता है, तो उसको बाहर करने के लिए भी एक उपाय रहता है जो कि खदान के अंदर से पाइप है, वो तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, पर खदान के बाहर पे पाइपलाइन के द्वारा पानी बाहर भेजा जाता है, फिर इसको नदी नाला या फिर डैम वैम में रखा जाता है। तो आप लोग वो पानी दिखाता हूँ, तो जो कोई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर लो। ओल्ड फील्ड लिमिटेड में आपका स्वागत है, आज हम लोग आ गए हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए। मेरे साथ विकास बैरागी जी हैं जिनका यूट्यूब चैनल है, उसमें हम लोग जो है ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे और दिखाएंगे को दिखाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं जिससे भी कवरेज मिलेगी हम पूरी लेने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। ये विकास बैरागी। सो गाइस आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर,
तो मैं गुजारिश करूंगा कैमरामैन मेरे को बैक कैमरे शूट करे। तो हे गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग वीडियो। तो जस्ट आज का ब्लॉग कुछ हटके होने वाला है। तो आज मैं बनाऊँ एक न्यूज रिपोर्टर, जो कि आज बेचारे लोग कितना मेहनत करके ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग करते हैं। तो गाइस तो आज हम लोग आए हैं रिपोर्टिंग करने के लिए एक माइंस में, जो कि ये पड़ती है शहडोल जिला के धनपुरी के अमरकंटक रोड पे गाइस, जो कि जस्ट हम दिखाना चाहेंगे। कैमरामैन को बोलूँगा कि आप दिखाना का प्रयास करें, तो गाइस वो अभी नहीं दिखेगा तो इधर साइड दिखाओ। सो गाइस आप लोग प्लीज़ ये फर्स्ट रिपोर्टिंग है मेरी, तो आप लोग क्या कि कट नहीं लगाएंगे, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो पर प्यार देना। तो गाइस आज हम आए हुए हैं कि जो अपने यहाँ की माइंस है, तो कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि माइंस दिखाने की कोशिश करेगा। सो गाइस ये माइंस है, जो कि इससे आगे हमको जाना प्रतिबंधित है। तो कैमरामैन जो है जूम करके दिखा सकता है, यहीं रुको तुम यहीं रुको। तो गाइस इसके आगे हमको जाना प्रतिबंधित है, और आप लोग भी बिना परमिशन के ऐसे मत आना। सो गाइस ये माइंस है, तो आप लोग देख सकते हो। तो माइंस के जस्ट जो अंदर, जो गाइस आज का जो टॉपिक अपना, तो माइंस के अंदर जो पानी आता गाइस बरसता है, जो अंदर पानी भर जाता है, और जब कोयला निकाला जाता है गाइस, तो पानी जो है कैसे मतलब भर जाता है, जब कोयला निकालते हैं जो कर्मचारी रहते हैं, जो ड्यूटी करते हैं, जो जॉब करते हैं माइंस में, तो वो लोग जब पानी कोयला निकालते हैं तो पानी भरा होता है, तो पानी निकाला जाता है सबसे पहले। तो पानी निकालने के लिए हम आप कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि पाइप दिखाएं अगर जहाँ तक हो सके। तो गाइस ये पाइप है यहाँ, फिर कौन मेरे कैमरामैन तो मोर फॉलो करेगा जल्दी मनीष कैसे भाई है तो सुधरते आप भाई का देखते जैसे मैं जन्यू ना तो तम ही दिखाइए पूरा कैप्चर, तो वहाँ वहाँ ना दिखा तो मैं दिखाई हूँ का है बोले कि पाइप दिखा तो मतलब कौन मेरे कैमरामैन है यो मेरे सर, मतलब मैं जहाँ जहाँ जिस कैमरा मनीष लोग जाओ तो वही रखो चालू कर चल। सो गाइस मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगा कि अपने नियमित एरिया के क्षेत्र में रहते हुए कि पाइप पानी कैसे आता है। तो गाइस पहले शुरुआत करेंगे हम यहीं पर अपना सीमित है, तो कैमरामैन से गुजारिश है कि इस पाइप को दिखाए, जो कि ये पाइप के द्वारा हमारा जो मतलब जो कॉलरी का पानी होता है, दिख रहा है कॉलरी का जो पानी होता है, जूम करके दिखाओ ये पाइप को। तो गाइस ये मोटे मोटे पाइप के द्वारा बड़ी बड़ी टर्बाइनों के द्वारा, आ जाओ इधर आ जाओ, उस एरिया में ज़्यादा मत रहो कैमरामैन, इधर आओ। सो गाइस आप लोग गौर से देख सकते हैं, कुछ यही पाइपलाइनों के द्वारा पानी पूरा बाहर निकाला जाता है गाइस, आप लोग देख सकते हो। तो आओ यहाँ आओ। सो गाइस अभी हम लोग आप लोग को मेन दिखाएंगे, अभी जो आप लोग को वीडियो दिखा देंगे कि अंदर कैसे क्या होता है यहीं बाहर से। तो गाइस अपना मेन टॉपिक आज का था कि हम जो है पानी जो है दिखाने वाले थे, तो पाइप आप लोग देख लियो गाइस पूरा पाइप जो है पानी, और कैमरामैन की रिपोर्टिंग कैसी लग रही है गाइस, मतलब वो कैमरा कैसे चला रहा है ये भी कमेंट करके बताना, तब वो मोटिवेट करो उसको कि अच्छे से चलाए। सो गाइस आज का अपना टॉपिक था कि पानी, तो गाइस वो पाइप आप लोग देख लियो जो कि अंडरग्राउंड आता है गाइस, और कुछ इसी प्रकार का पाइप है, पाइप यहाँ दिखाया जाए। सो गाइस कुछ इस प्रकार का पाइप होता है जिसमें से पानी फेंका जाता है गाइस, बड़े मैं कैमरामैन से कोशिश गुजारिश करूँगा कि मैं आपको दिखा सकूँ, क्योंकि ये जो पानी है रुक नहीं रहा, सब बहाव है, तो यहाँ ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, तो मैं आपको नीचे चल के दिखा सकता हूँ। तो गाइस अपनी चप्पल जो है मैं यहीं पे उतारता हूँ सुरक्षा पूर्वक, और आप लोग यहाँ आकर ऐसी कोशिश मत करें परमिशन से आए या फिर किसी को बता कर आए, अकेले यूं ही मत आएँ, क्योंकि यहाँ खतरा कभी भी आप लोग के साथ हो सकता है। सो गाइस ये कुछ इस प्रकार का कीचड़ है, दलदला टाइप का है, जो कि आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग कभी भी अकेले आने की कोशिश मत करना, या फिर परमिशन लेके आना, मिल जाती है अंदर का उतना जल्दी नहीं मिलती, पर आप बाहर से देख सकते हो। सो मैं आप लोग को दिखा रहा, कैमरामैन से गुजारिश है कि मेरे को कवर करे, और मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि क्या कैसा व्यवस्था है नीचे का। सो गाइस मैं अभी जस्ट नीचे आ चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो गाइस, और जस्ट ये जो है ये पानी जो गाइस ये पूरा बड़े बड़े पाइप लाइनों के द्वारा करीब हज़ार दो हज़ार मीटर के नीचे से ये पानी आ रहा है, मतलब हज़ार दो हज़ार मीटर से पानी ऊपर चढ़ के आ रहा है पूरा गड्ढे से। तो ये पानी बहुत बड़ी बड़ी टरबाइन मोटर ये सब रहता है, बड़ी बड़ी टरबाइन मोटर ये सब रहता है, जिसके कारण से ये पानी बेहतरीन आ रहा है, और ये पानी बड़े बड़े पाइपों के द्वारा आता है, और एक पाइप इस भाग पे है, और कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि दूसरा पाइप भी दिखाए, घूम कर आए आराम से सावधानीपूर्वक। सो गाइस सब पूरा सावधानीपूर्वक काम होगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हो सावधानीपूर्वक, ये जो है ये एक लेक बन चुका है गाइस, यही पानी अपने डैम में जाता है। कैमरामैन से गुजारिश कि अच्छे से दिखाने का प्रयास करें। सो गाइस यही ज़्यादा किनारे मत जाओ। सो गाइस आप लोग देख सकते हो एक पाइप उधर से आ रहा है, और एक पाइप हमारा कैमरामैन दिखाने की कोशिश करे, एक पाइप उधर से आ रहा है,
जो कि ये एक तरीके से बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। पर ठीक है, ये पानी रुक नहीं रहा है और ये पानी कुछ इस प्रकार के रास्ते से आकर इस प्रकार से होते हुए दोनों पाइप का पानी इधर गिर रहा है और हमको पता नहीं है ये कितना गहरा है, तो इसके नीचे हम नहीं जा रहे हैं। और आप लोग आसपास का कैमरामैन से गुजारिश है कि ये एरिया दिखाने का कोशिश करें। तो ये आप लोग देख सकते हो गाइस, पूरा क्लियर दिखाओ उसको, दिखाओ। तो गाइस आप लोग देख सकते हो पूरा यहाँ क्लियर है मतलब, और आप लोग कभी भी इसके नीचे जाने की कोशिश ना करें। इसके नीचे पूरा गड्ढा भी हो सकता है क्योंकि कब से इतना पानी आ रहा है, सांप बीछी जानवर, तो ऐसा खुला देखें तो कभी भी इसके अंदर ना जाएं। तो गाइस कुछ इसी प्रकार का था। और ये पानी जो है पूरा आता है दोनों पाइपों के लाने, और गाइस ये जो पानी है ये 2400 घंटे साल भर हमेशा इसी प्रकार से चलता रहता है। लाइट बोलो चाहे कुछ हो, उससे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि आज की जो बिजली बन रही है ये पानी से ही बन रही है। जैसा कि आप लोग सभी लोग पढ़े लिखे देख रहे हो, जो कोई नहीं जानता तो उसको बता दें हम कि जैसा कि पानी जो होता है बड़े बड़े डैमों से आता है, जो कि बड़े बड़े टर्बाइनों से टकराता है और फिर जनरेटर उसके साथ मिला रहता है, जिससे कि वो चलता है, टर्बाइन घूमता है तो जनरेटर से कनेक्ट रहता है, और जब जनरेटर में घूमेगा तो बिजली ऑफिस से बात है कनेक्ट होगी। जैसे कि आप लोग शादी ब्याह में देखे होंगे ऑफिस से बात है घुमाता है। सो गाइस आप लोग देख सकते हो कुछ इसी प्रकार का था आज की रिपोर्टिंग। और अब हम लोग यहां से निकलते हैं क्योंकि यहां ज़्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। तो कैमरामैन से गुजारिश एक बार ये सब पूरा लेक अच्छे से कुछ सिनेमैटिक स्टाइल में दिखा दे, कुछ इसी प्रकार का है गाइस। और इसके नीचे रिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आप लोग ऐसी गलती ना करें, ऐसा कहीं भी खुले में मत आएँ। और मैं कालरी वालों से एक बहुत बड़ी अपील करना चाहता हूँ, मार रहा हूँ अच्छे से यार। आ रहा हूँ अच्छे से, बड़ा बड़ा वहाँ से दिखाएगा, चढ़ जा आराम से। चालू है रिकॉर्डिंग, देख आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चालू चालू मार रहा हूँ। सो गाइस कुछ इस प्रकार का ये झील है। सो गाइस तुम आज मेरे वीडियो के माध्यम से अगर कोई एक कोल माइंस का अधिकारी या साहब देख रहा है तो आप लोग से एक ही अपील है मेरी कि जो ये खुला एरिया आप लोग छोड़ देते हैं, ये खुला एरिया इसको इस प्रकार से ना छोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पूरा दिखाया जाए कैमरामैन कि यहाँ पूरा जगह जो है पूरा खुला हुआ जगह है। और इतना इधर दिखाओ तो इधर पूरा पाइप से पानी आ रहा है, तो गाइस कभी भी कोई गाय भैंस इसको पूरा वो तार जो आती है जो बिल्डिंग उल्डिंग के सामने रेल दी जाती है, तो उस तार से या किसी चीज़ से इसको पूरा कवर किया जाना चाहिए। ये माइंस जो है गाइस पूरी खुली खुली है, तो इससे बहुत से जीव जंतुओं और बहुत से दिक्कत हो सकता है गाइस। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा हाथ जोड़ के कि आप लोग थोड़ा इस पर ध्यान दें, जहाँ तक हो सके तो इसके पूरे चारों तरफ कोने से लेकर बैरिकेटिंग करा दीजिए, क्योंकि यहाँ भैंस गाय कुछ भी आके गाइस यहाँ से बह सकती है, लग सकता है, बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। तो आप लोग कुछ इस प्रकार का ध्यान दें। और ये झील यहीं तक था। तो आज का ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताना। और क्या मैंने सही रिपोर्टिंग की, ये मेरी फर्स्ट रिकॉर्डिंग थी जो कि मैंने अपने ब्लॉग चैनल के माध्यम से की है।